हुआ थोड़ा सा, एवरीबडी इज ओके? ठंडी में आवाज? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस ओके। सो अगर गलती से भी आपको लग रहा होगा कि दिस इज समथिंग, क्यों बीच में आ गया, सो यू विल अंडरस्टैंड एज वी गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन, बिकॉज मैं आपको बोर नहीं करूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी लेक्चर काइंड ऑफ थिंग। मैं आपको सिर्फ कुछ ग्लिम्सेस देना चाहती हूँ। नेक्स्ट, सी, आप में से पहला सवाल मुझे ये है कि इन सारे पेरेंट्स, जितना भी क्राउड है, उन सब में से कितने लोग वो हैं जो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट होके भी आए हैं? Can I have their hands raised? कोई है? Oh, चुटकी, you're not. कौन है? कितने लोग हैं जो पहले राउंड्स में एलिमिनेट हो गए फिर भी फिनाले देखने आए हैं? Sadly, nobody, I guess. है कोई तो आवाज कर सकते हैं? Oh, congratulations, अगर ऐसा कोई है तो. So basically, problem ये होता है कि parents को लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, वो उसको प्रिपेयर कराते हैं, फिर उसको एक कॉन्टेस्ट में लाते हैं, एंड अगर वो गलती से स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाता है तो सैडली या तो वो विड्रॉ हो जाते हैं या तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ, विच वॉज आई थिंक नॉट रियली अ राइट थिंग, बिकॉज वॉट आइंस्टाइन हैज सेड कि इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, देन होल लाइफ दैट फिश विल थिंक इट इज अ स्टूपिड। सो आई गेस ऑफकोर्स दीज डांसर्स हैव वेरी गुड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लेकिन अंडरस्टैंड दोज हु हैव आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, सो प्लीज अंडरस्टैंड पेरेंट्स दैट इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक योर चाइल्ड चैम्पियन, लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली what is that in him which can make them champion. Next, so confusion starts here. Understand parents that everybody is a champion. Let us understand what is best in them. Next, so सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को 5 साल तक छोड़ देना चाहिए. Let them enjoy their life, क्योंकि the moment they enter into school, then high school, middle school, high school, college, and actually life is over, they can't enjoy after that. So, 5 साल तक लेट देम एंजॉय। नाउ कमिंग टू द सीरियस इश्यूज, कि द मेजर एकेडमिक स्ट्रेस आज के डे में वी आर सीइंग स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड एट अ वेरी वेरी अर्ली एजेस, एंड द मेजर कॉज इज दिस, एवरी 45 मिनट्स इन इंडिया वन स्टूडेंट इज कमिटिंग सुसाइड। इट्स रियली शॉकिंग। व्हाई? स्ट्रेस। 56% of children are stressed up due to academic stress. Next. So basically, here we want to understand that why the kids are stressed. So, सबसे पहले there could be multiple things which will come along. So let us understand basically how they can learn best. Whether they are a visual learner, auditory learner, kinesthetic learner. अभी जितने भी बच्चे डांस वाले यहाँ पे, who are the best dancers, they have very good kinesthetic learner. इसका मतलब ये नहीं कि डांस में उनका पूरा करियर बन जाएगा. A few of them might go up to that level, but definitely out and out kinesthetic बच्चे, शायद सेल्स, शायद डिफेंस, शायद पुलिस, शायद फिजियोथेरापिस्ट, शायद एन एक्टर और एक्ट्रेस, इस तरह के प्रोफेशन में दे कैन एक्चुअली शाइन। नेक्स्ट, सो देर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आर चाइल्ड एंड इट determines that what is best in them. Next, so degree is not equal to success. Agreed? Agreed? So ho gaya? Agreed? Degree is not equal to success. Aur hum kya karte hain? Chabuk leke jao school, jao padho, tuition jao, idhar jao udhar jao. Are kyun padha rahe hain hum unko? स्कूल भेजना इज द ऑब्जेक्टिव? नहीं। तो बेसिकली डिग्री, पढ़ाई इज नॉट द पर्पज। पर्पज इज सक्सेस, पर्पज इज सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ। एट द एंड ऑफ द डे बच्चा
कैसे हैप्पी सेटिस्फाइड और उसका सक्सेस बिल्डअप करता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव बैकस्लाइड, वी हैव धीरूभाई अंबानी हु हैड नो डिग्री, वी हैव बिल गेट्स हु इज अगेन अ स्कूल ड्रॉप आउट, वी हैव शाहरुख खान हु हैड बीन फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, नेक्स्ट ए आर रहमान, लियोनेल मेसी एंड सचिन तेंदुलकर. इसका मतलब बच्चे पढ़ाई छोड़ देने का ऐसा नहीं, इट डजंट मीन कि बच्चों ने पढ़ना नहीं है, दे शुड स्टडी बट इन अ स्पेशल वे. नेक्स्ट, सो बेसिकली सक्सेस इज द टारगेट ऑफ एवरीबडीज लाइफ. किसी और का कोई और टारगेट है क्या? कोई और टारगेट है क्या सक्सेस के अलावा? और कुछ है? सक्सेस कैन बी एनीथिंग, मनी, पावर, पोजिशन, एनीथिंग. सो मैप, हमें अब उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए कैसे जाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा. नेक्स्ट, बागवान मूवी सबने देखी है? देखिए क्या बागवान. सो वो बंदा जिसकी पूरी जिंदगी क्लरिकल वर्क करते करते एक मीगर इनकम ऑन करते करते गुजर गई, एट द एज ऑफ 60 उसको पता चलता है कि ही कैन बी अ गुड राइटर एंड ही अर्न्स मिलियंस आउट ऑफ इट. इमेजिन कि अगर बचपन में या थोड़ा यंग एज में उसको पता चल जाता तो उसके लाइफ के स्ट्रेसेस और स्ट्रगल्स अवॉइड हो सकते थे, बट समहाउ डेस्टिनी मेड हिम टू डू इट एट अ वेरी लेट. बट आज के डेट में वी हैव गॉट अ टेक्नोलॉजी वेयर वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ एंड एट अ वेरी अर्ली एज वी कैन मोल्ड आवर चाइल्ड इन टू वॉट दे आर डेस्टिन. नेक्स्ट, रजनीकांत. सो रजनीकांत एंड शंकर महादेवन, हियर आई लाइक टू टेल यू वन थिंग. एनीबडी हैज एनी ओपिनियन अबाउट शंकर महादेवन एंड ए आर रहमान्स म्यूजिकल टैलेंट? दे आर इक्वल, बराबर है, दे आर कंपेरेबल, कॉम्पिटेबल, बट स्टिल ए आर रहमान को ऑस्कर मिला है. ए आर रहमान इज मोर सक्सेसफुल देन शंकर महादेवन. वाई? बिकॉज ए आर रहमान हैज फ्रॉम स्टार्टिंग टिल ही हैज बीन इन टू म्यूजिक, बट शंकर महादेवन इनिशियली IIT में इंजीनियर बना, देन ही हैड स्पेंड सम ईयर्स, देन ही रियलाइज एंड हिज फ्रेंड्स टोल्ड अरे तू बहुत अच्छा गाता है, देन ही वेंचर्ड इनटू द म्यूजिक एंड नाउ ही इज डूइंग हिज वे, बट डेफिनेटली ही इज अ काइंड ऑफ लेट कमर इन द प्रोफेशन एंड ही इज पेइंग फॉर इट. नेक्स्ट, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल आवर चिल्ड्रन हैव ऑल, वी ऑल हैव दीज मेनी इंटेलिजेंसेस, बट समबडी हैज समथिंग मोर विच डिसाइड्स देयर हिज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस. सो लॉजिकल इंटेलिजेंस मेक अ पर्सन एनालिटिकल, लॉजिकल, कैलकुलेटिव, ही कैन बी अ साइंटिस्ट, ही कैन बी अ मैथमेटिशियन. नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मेक अ पर्सन अ स्पीकर, अ राइटर. नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मेक्स अ पर्सन थिंकर. नेक्स्ट, इंटरपर्सनल कैन मेक अ पर्सन सोशल वर्कर काइंड ऑफ थिंग. नेक्स्ट, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, डांसर बच्चे जिनका काइनेस्थेटिकल बहुत अच्छा है, बट दे कैन डू सेल्स, दे कैन बी योगा मास्टर, स्पोर्ट्स पर्सन. नेक्स्ट, विजुअल स्पेशल मेक्स द चाइल्ड क्रिएटिव. एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट. सो बेसिकली योर एट एन अर्ली एज इफ यू अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड इज बेस्ट, हाउ ही कैन लर्न बेस्ट बाय विजुअल इनपुट्स, उसने पढ़ाई कैसे करनी है. मजदूरी और मेहनत तो गधा भी करता है, ध्यान है सबका, अग्रीज? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की स्मार्ट लर्निंग दे क्या है. तारे जमीन परेशान तवेस्ती, सबको याद है? काइनेस्थेटिक लर्नर था वो बच्चा. नेक्स्ट, सो सक्सेस एवरीबडी वांट्स, दे स्टिल वांट द सक्सेस. हेलो, ओके, सो द सक्सेस इज दे आर विद देम. नेक्स्ट, next. So we have got a technology which is called as Dermatographics Multi Intelligence Test, where you can give your child's fingerprint scan, you can understand his learning styles, you can understand his different talents, multiple talents, you can understand how to improve that
एंड यू कैन हैव अ प्रॉपर डिटेल्ड करियर प्लान विच कम्स अलोंग विद द रिपोर्ट एंड ऑल्सो द लाइफ टाइम काउंसलिंग यू विल गेट फॉर हिज बेटर करियर फ्यूचर एंड सक्सेस ऑफकोर्स. नेक्स्ट. सो यू कैन डू, एनी बडी कैन डू इट. वन ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड एनी बडी एल्डर इवन कैन डू दिस टेस्ट. नेक्स्ट. एंड इन चाइना जिसके हम लोग ओलंपिक में मेडल्स ही गिनते रह जाते हैं, अरे यार क्या करते ये लोग, क्या करते ये लोग, इनका इतना मेडल्स. तो इट्स एन एंशियंट चाइनीज साइंस जहाँ पे ये रूटीनली होता है. बाय 3 or 4 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रेन आर ऑलरेडी डन दिस टेस्ट एंड एक्चुअली फोकस्ड इन टू द पर्टिकुलर प्रोफेशन. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. दीज आर दी, अब लोगों को लगेगा कि साइंटिफिक बेसिस क्या है. सो देयर हैड बीन लॉट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डन. नेक्स्ट. सो लेट्स गिफ्ट आवर चिल्ड्रन अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेस फ्री चाइल्डहुड. नेक्स्ट. कैन वी जस्ट प्ले दिस वीडियो, वी हैव साउंड. आई एम प्रोड्यूसिंग टू इम्पॉर्टेंट टेस्टिमोनी ऑफ द पेरेंट्स, दोज हु हैव डन दिस टेस्ट एंड आई एम ऑल्सो I'm also going to present you one video of an esteemed personality whose taste was done with this particular taste was done. His counseling was done and at the age of 60 years and being a chancellor of an university, he was interested in knowing what is less in him. Can we play the video please? And if anybody has any more questions, we have a stall, a corner stall over there. And where they can have the detailed inquiry about the thing. The test is, on an average, we have got the testimony more than 90%. 90% have our clients have recorded or recommended it. And accuracy rate, jo hai, humare yahan pe test. This test is done by many people, but at our place, the test accuracy is more than 90%. Can we play the video? हाँ, नहीं नहीं, वो पीपीटी में जो वीडियो है वो प्ले करिए ना. यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड यू कैन प्ले इट. जिसे भी इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है, दे कैन विजिट टू आवर स्टॉल दैट इज देयर इन द कॉर्नर एंड गेट इट क्लियर. एनी क्वेरीज दे कैन जस्ट गेट इट क्लियर. पीपीटी में का वीडियो प्ले करो. प्ले तो करो, डबल क्लिक करो. We have those two big people whose report is also kept there in our stall, and you can actually have a look of those two people whose report has been done with us, and they have tested and verified it.